Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth. Even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of a गाइज व्हाट्स अप, दिस इज श्रुति. वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ कलाकृति. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीशो होम डेकोर हॉल. बहुत ही बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल होम डेकोर प्रोडक्ट्स अंडर ₹500. यस, मीशो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहाँ पे आपको 60 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो होम डेकोर हो, किचन यूटिलिटी हो, शूज, एसेसरीज, क्लोथिंग सेक्शन, ज्वेलरी, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे मीशो के ऊपर. तो विदाउट डिलिंग फर्दर गाइज, लेट्स मैं आपको दिखाती हूँ कुशन कवर्स. ये मैंने सेट ऑफ टू में लिए हुए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला है. देखने में ये बहुत प्रिटी है, आप देख सकते हो. इसका थ्रेड बहुत अच्छे से ये वूवन हुआ हुआ, इट्स हैंड वूवन. बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग है, बहुत प्यारा लगता है, काफ़ी प्रिटी है. ये मुझे फिलर नहीं मिला था, सिर्फ इसका कुशन कवर मिला है सेट ऑफ टू के अंदर. कपड़ा काफ़ी थिक है एंड देखने में बहुत प्रिटी लगता है. तो अगर आप थोड़ा बोहो लुक देना चाहते हो तो ज़रूर इस तरीके के कुशन कवर्स ट्राई कीजिए अपने लिविंग रूम में या फिर अपने बेडरूम के अंदर भी. बहुत ही प्यारा लगता है और ये मशीन वॉश है, आप इसको आराम से वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. थोड़ा बहुत थ्रेड निकलता है बट इट इज़ फाइन, इतना भी ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत निकलता है इसमें से. बट हैंड वूवन है तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा. मैंने लिया है बहुत ही अमेजिंग और प्रिटी से कुशन कवर्स, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे मुझे मिले हैं. ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन के अंदर है ये. मैंने अपने रेड सोफ़ा के लिए लिए हैं. आप ग्रे, मरून, नेवी ब्लू, मस्टर्ड, ये इस तरीके का कलर है ब्लैक एंड वाइट के, सभी सोफ़ास के साथ चले जाएंगे और देखने में काफ़ी एलिगेंट लगता है इस तरीके का प्रिंट. ये आपका ज्योमेट्रिक प्रिंट है और देखने में बहुत प्यारा लगता है. फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है, जूट फैब्रिक है, 16x16 इंच का है ये कुशन कवर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, मैंने लिया है बहुत ही प्रिटी से ये कुशन कवर्स. ये डिजिटल प्रिंटेड कुशन कवर्स हैं, फ्लोरल थीम के ऊपर मैंने लिए हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे सेट ऑफ 5 में मिले. इससे लिविंग रूम काफ़ी वाइब्रेंट लगने लगा मेरा. मैंने इसको वैसे लिया है अपने बेडरूम के डेकोर के लिए भी. कुशन कवर्स ये प्लेन बेडशीट के ऊपर इस तरीके के फ्लोरल कुशन कवर्स बहुत प्यारे लगते हैं, या अगर आपका प्लेन सोफा है उस पर भी इस तरीके के कुशन कवर्स, फ्लोरल कुशन कवर्स बहुत वाइब्रेंट लगते हैं, प्रिटी लगते हैं और ये रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं. सैटिन इसका फैब्रिक है और ये जल्दी गंदे भी नहीं होते. जूट फैब्रिक, सैटिन, इन पर जल्दी जल्दी डस्ट नहीं लगती तो काफ़ी लंबे टाइम वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, मैंने लिया है बहुत ही प्यारा ये जूट बास्केट. देखने में बहुत प्रिटी है ये बास्केट. ऊपर इसका व्हाइट कलर का हुआ हुआ है और नीचे ये ब्राउन कलर का है. दो कॉम्बिनेशन के अंदर है एंड द प्राइस इज अमेजिंग, बहुत ही अफोर्डेबल है ये. मैं सोचा मैंने एक ही क्यों मंगवाया, मुझे दो मंगवाने चाहिए थे. मेरे पास दो इंडोर प्लांट्स हैं, इसमें आप आराम से छोटे वाले पॉट रख सकते हैं एंड जस्ट मेक श्योर कि ये वाटर के टच में ना आए. अगर कंटिन्यूसली अगर वाटर इसके ऊपर लगेगा तो ये यहाँ से फट जाएगा, तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे जूट बास्केट्स हैं इंडोर प्लांट्स के लिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स के लिए, मेरे काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं क्योंकि मैं आई जस्ट मेक श्योर कि वाटर के कॉन्टैक्ट में ये ना आए. तो देखने में बहुत प्रिटी लगता है, आप इसको एज अ ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हो अपने किचन के अंदर, चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने वर्क स्टेशन पे भी, अपना थोड़ा मोटा सामान रखने के लिए, सॉक्स डालने के लिए. इस तरीके की चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है जिसमें आपने जस्ट नॉर्मल डाला और आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है एंड इट इज़ रियली वेरी प्रिटी. बच्चों के रूम के अंदर कुछ भी छोटे मोटे टॉयज डालने के लिए, डेली नीड्स की चीज़ें डालने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है. यू शुड ट्राई एंड इट इज़ एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, मैंने लिए हैं बहुत ही छोटे से क्यूट से प्लांटर्स. ये आउल प्लांटर्स है, आप इसको बाहर भी रख सकते हो, इंडोर भी रख सकते हो.
एंड इट इज वेरी स्मॉल इन साइज. इसमें आप छोटे सकलेंस रख सकते हो. आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा ग्रीन प्लांट्स इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, बट मुझे क्यूट लगे. मैंने इसको लिया है स्पेशली. इसके अंदर आप इसको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हो. चाहे आप अपनी किचन में इसको यूज कर सकते हो कटलरी होल्डर और स्पैचुलस रखने के लिए, या फिर आप इसको अपने मेकअप ब्रशेस रखने के लिए. जो डेली यूज के अंदर हम मेकअप यूज करते हैं, लाइनर, काजल, क्लॉथ, इसमें बहुत ईजिली आ सकता है. देखने बहुत प्रिटी लगेगा ड्रेसिंग टेबल पे. और आप इसको रख सकते हो एज अ स्टेशनरी. आप इसको अपने वर्क स्पेस पे भी रख सकते हो, स्टेशनरी रख सकते हो ऑफिस वर्क स्पेस के अंदर. देखने में बहुत प्रिटी है. सेट ऑफ टू के अंदर आए हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो मुझे लगा कि बहुत क्यूट से हैं. इनको मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही लूँगी. तो देखने में कलर बहुत प्यारा है, पेस्टल कलर्स हैं एंड इट्स रियली वेरी प्रिटी. नेक्स्ट आइटम आई हैव परचेज दिस ब्यूटिफुल मक्रामे बोहो वुडन शेल्फ. ये इस तरीके से है, देखने में काफ़ी प्रिटी लगता है. छोटा सा वुडन शेल्फ है. पहले मुझे लग रहा था कि इसके अंदर ये चीज़ ना ऐसे निकली हुई थी, तो आई थॉट कि ये काम का नहीं है, रिटर्न करना पड़ेगा. ऑल्दो मीशो के ऊपर फ्री कैश ऑन डिलीवरी है. रिटर्न रिफंड पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. आपको आराम से अगर कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो आराम से रिटर्न हो जाएगा विदाउट एनी हैसल्स. ऑल्दो मुझे अब रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको मुझे इसके अंदर डालना होगा और ये ऐसे हैंग हो जाएगा. छोटा सा वुडन शेल्फ है, इस पर आप दो पॉट आराम से रख सकते हो, छोटे पॉट, उसे ज़्यादा नहीं रख सकते हो. और आप इसको अपने एंट्री वे मेकओवर में यूज़ कर सकते हो, बालकनी में लगा सकते हो, बेडरूम की साइड वॉल में यूज़ कर सकते हो, लिविंग रूम की साइड वॉल पे या एलवे पे, इस तरीके की आप चीज़ यूज़ कर सकते हो. तो देखने में प्रिटी लगता है और काफ़ी फंक्शनल भी है. लास्ट आइटम मैंने लिया है बहुत ही प्यारा सा सोफा थ्रो. ये मस्टर्ड और क्रीम कलर का है, बहुत अच्छा लगता है. फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन का है, 100% कॉटन, देखने में बहुत सुंदर लगता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो गाइस एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो. तो एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलिए. एंड इफ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, then please subscribe to my channel, and those who have already subscribed, thank you so much. So let's catch up in my next video. Bye bye, take care and have a great day guys.